बंगला फिल्म के बहुत ही मशहूर और मारूफ फनकार जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो इस वक्त अंजन दा की एक फिल्म मथान जो हिंदी मूवी आ रही है उसमें ये अपना एक अलग मकाम रखते हैं, अलग रोल में ये आपको नज़र आएंगे। बंगला फिल्म के बहुत ही अच्छे एक्टर मशहूर और मारूफ मिस्टर निमई घोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आपका सर मथान में मैंने सुना आपने बहुत अच्छा एक छोटा सा रोल किया, बहुत ही अच्छा रोल किया, कैसा लगा आपको सर काम? बैड और गुड वो तो मेरा डायरेक्टर बोलेगा ना, वो तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जब अंजुन हमारा पास ये रोल का बात करने के लिए गया था ना, तब हम बहुत खुशी हो गया। कहे कि हमारा एक वीकनेस है हिंदी फिल्म में काम करने के लिए, कहे कि हम इतना साल जो काम कर रहा छवि में हिंदी थोड़ा थोड़ा किया है, मीनाल दा को मृगाया में काम किया है, वो क्या बोलेगा विप्लव राय चौधरी है उसका एक भी हिंदी फिल्म में हम काम किया था, तो जब वो बोला है कि हिंदी लेकिन आपका रोल बहुत छोटा है, तो छोटा मोटा बात का हम कोई कुछ समस्या नहीं, कहे कि वो स्थानीय सर्च की है ना, वो बोला है कि रो एक्टर छोटा होता है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ वो एक्टर छोटा होता है लेकिन उसका जो पार्ट है ना, वो एक्टिंग जो है ना छोटा नहीं होता है, वो छोटा नहीं होता है। क्या अंजुन को हम बोला है कि भाई हम करेगा, ये तो बहुत खुशी का बात है इसमें काम करने से, तो तुम बोलो कब जाएगा कीजिए, वो सब बुला दिया ये रोल आपका बहुत छोटा है। तो जब हम काम करने गया था उधर हम बहुत मज़ा से काम किया, हमको बहुत अच्छा लगा इससे इसके साथ काम करके। अच्छा सर मैं आपसे एक बात और कर रहा हूँ सर, आपने जिस फिल्म में काम करे आपको कौन सा करेक्टर मिला, कौन सा करेक्टर में आप नजर आ रहे हैं? 100 वकील का काम रोल बहुत छोटा रोल है लेकिन बहुत मज़ेदार रोल है, हम तो यही सोचा है बहुत मज़ेदार है। तो सर आपने कई फिल्म में आपको हिंदी फिल्म का ऑफर आया था लेकिन आपने बहुत सारे फिल्म को मैं आपने कहा था कि मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं मुंबई नहीं जा सकता, मैं जो काम करूँगा कलकत्ता में करूँगा, तो अंजन दा के साथ काम करके आपको किस तरह का लगा? बहुत अच्छा लगा कि वो हमारा मोटिव समझ गया, हमारा मोटिव कमाई हमारा साथ काम किया। अच्छा सर मेरा आखिरी सवाल है, आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, जो आम दर्शक को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? ये तो आजकल फिल्म का बाजार में दो बात चल रहा है, एक मेन स्ट्रीम का छो बोलता है ये लोग और एक बोलता है आर्ट फिल्म। तो हम ये सोच रहा है कि मेन स्ट्रीम आर्ट फिल्म वो कोई नहीं चाहिए, ये सब बात हम नहीं पसंद करता है, हमारा मतलब है कि बैड एक्ट आर्ट गुड आर्ट, दिस इज आई शुड से आर्ट नॉट बैड नॉट गुड, सोचा है मेरे बात? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कम टाइम में बहुत अच्छी बातें कही है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।